मिनी मुंबई की झलक। संस्कृति के रंग, संस्कार और सरोकार। खासियत और खूबी की बात, अनूठी और अनुपम मुलाकात। सबसे अलग और सबसे खास, इंदौर की ठेका। महिलाओं का फैशन फिंगर टिप्स पर चेंज होता है, कभी नियॉन तो कभी वाइब्रेंट, कभी सिंपल तो कभी ट्रेडिशनल। हर महिला यही चाहती है कि वो ट्रेंड के मुताबिक चले और भीड़ में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। बदलते फैशन ने फैशन को भी सीजनल कर दिया है और अब हर बदलते सीजन के साथ बदल रही है महिलाओं की चॉइस और रिफ्रेश हो रही है उनकी वार्डरोब। बारिश के इस खूबसूरत मौसम में हर महिला कुछ हटके दिखना चाहती है और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं लीडिंग फैशन डिजाइनर्स के कुछ मॉनसून फैशन टिप्स, जिनसे आप दिखेंगी मॉनसून की तरह रिफ्रेशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे साथ हैं फैशन स्टाइलिस्ट और फैशन डिज़ाइनर मधु सक्सेना, डॉक्टर मधु सक्सेना। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त मॉनसून का सीज़न आ गया है और सारी लड़कियां बड़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किस तरह के आउटफिट्स उन्हें पहनने चाहिए, कौन से कलर्स कैरी करना चाहिए। तो क्या आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह के कलर्स अभी इन है, किस तरह की ड्रेसेज उन्हें मॉनसून के हिसाब से पहननी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय साक्षी। एंड मैं अगर मानसून के हिसाब से चलूँ तो मानसून तो ठीक है, पर इसके अलावा एज और आपकी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सिर्फ ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकते, इसके साथ साथ हमको हमारी पर्सनालिटी को भी इन्हांस करना पड़ता है। हर चीज़ हम ट्रेंड के हिसाब से नहीं पहन सकते, पर हाँ, कलर हम फॉलो कर सकते हैं। अगर हम रेनी सीजन की बात करें, मानसून आने वाला है, तो नेचुरली हम ऐसे कपड़े पहनेंगे जो हमारे ख़राब नहीं हो। अगर हम पानी में भी गीले हो जाते हैं तो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो स्पेशली अगर हम फैब्रिक की बात करते हैं तो जॉर्जेट फैब्रिक हम ले सकते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक ले सकते हैं, हम नेट ले सकते हैं, जो कि कभी ख़राब नहीं होता है। ख़राब होने के अलावा अगर गीला भी हो जाता है तो वो बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। अब इसके बाद फैब्रिक के बाद अगर हम कलर्स पे आते हैं, तो कलर्स नेचुरली मेरा एक ही फंडा रहा है हमेशा से कि कलर्स आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से होना चाहिए। आजकल जो हम कह रहे हैं वो फ्लोरल डिज़ाइन चल रही है, फ्लोरल डिज़ाइन का बेस या तो पेस्टल शेड भी हो सकता है, मोस्टली पेस्टल शेड्स चल रहे हैं आजकल, और डार्क कलर भी हो सकता है, पर आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम हैं, नेचुरली आई विल प्रेफर कि आप जो है लाइट कलर्स पहने, लाइट पीच कलर ले लें, लाइट पिंक कलर ले लें, वाइट कलर ले लें। और अगर आप थोड़े से भी फैट हैं, आप यू वांट टू लुक स्लिम, तो आपको नेचुरली डार्क कलर प्रेफर करना चाहिए, पर साक्षी आपको तो लाइट कलर ही पहनना चाहिए। मुझे लाइट कलर्स पहनने की एडवाइस यहाँ पर मैम दे रही है। मैम, ज़रूर मैं इसको कल से ट्राई करूँगी। लेकिन अगर हम देखें कि मॉनसून में आपने बता दिया कि पर्सनैलिटी के हिसाब से हमें हमेशा चेंज करना चाहिए, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइक गर्ल्स जो हैं, यंग गर्ल्स जो हैं, वो किसी भी तरह का फैशन ट्रेंड फॉलो करती हैं, शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ कैरी कर सकती हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है इन सारी ड्रेसेस में, तो उन्हें किस तरह का ट्रेंड मॉनसून्स में फॉलो करना चाहिए? अच्छा, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अगर आप जैसे अगर आजकल हम लोअर की बात करें तो प्लाजो बहुत ज़्यादा इन है। प्लाजो लेडीज़ भी पहन रही हैं, लड़कियां भी पहन रही हैं। फ़र्क इतना रहता है कि लड़कियां प्लाजो पहनती हैं तो उसमें हाफ़ लाइनिंग लगा लेती हैं जिससे कि वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, लेडीज़ पहनती हैं तो फुल प्लाजो पहनती हैं। पहनना सभी को है, पर थोड़ा सा हम अकॉर्डिंग टू आपकी एज, अकॉर्डिंग टू आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लड़कियों की अगर हम बात करते हैं तो आप प्लाजो पहनिए, उसमें नॉर्मली प्लाजो जो है वो उसके में जॉर्जेट कपड़े में बहुत अच्छा फॉल होता है, फॉल आता है, वो पहनिए। इसके अलावा उस पर आप प्रिंटेड टॉप पहन सकते हैं, फ्लोरल टॉप बहुत सुंदर लगते हैं, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलर्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्लीव्स हो सकती है, डिफरेंट कट्स हो सकते हैं। बेसिक फैब्रिक तो यही होता है।
तो यहाँ पर मैम ने मॉनसून के चलते हमें काफ़ी सारे फैशन ट्रेंड टिप्स दिए, और सिर्फ मॉनसून के लिए नहीं बल्कि मैम ने ये कहा कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपकी पर्सनालिटी को जो सूट करे वो ही आपको हमेशा सूट करेगा, चाहे सीज़न कोई भी हो। लेकिन फिर भी जो यंग गर्ल्स हैं जिन्हें क्रेज़ होता है कि नहीं हम बदलते हैं सीज़न के साथ, हमारे आउटफिट्स में भी एक बदलाव लाएँ और हम हर सीज़न के हिसाब से एक लुक हमारा अलग अलग रखें, तो उनके लिए मैम ने हमें यहाँ पर काफ़ी सारे टिप्स दिए। और आप सभी अगर फॉलो इसे करेंगी तो डेफिनेटली आप भी एक ग्लैमरस लुक के साथ आएंगे। एक और यहाँ पर एक आउटफिट है जो मैम हमें बता रही हैं। साक्षी, ये जो है दैट इज़ जॉर्जेट, बेसिक कपड़ा इस जॉर्जेट है इसमें, और इसमें जो है बहुत रफली एम्ब्रॉयडरी की है, एक्चुअली ये वुल से एम्ब्रॉयडरी की है। एक्चुअली जो हमारी चुन्नियाँ रहती हैं उसकी मैंने कुर्तीज़ बनाई है, और उसको बॉर्डर को मैंने शेरवानी स्टाइल में यूज़ किया है। सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट जो बाज़ार में नहीं मिल सकता, इट इज़ ए प्योरली डिज़ाइनर क्लोथ्स है। वी हैव यूज चुन्नी, और चुन्नी को हमने यूज़ करके शेरवानी बनाई है। तो अगर आप यू वांट टू लुक वेरी डिसेंट, यू वांट डिसेंट लुक, देन यू कैन वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स। तो यहाँ पर मैम ने बताया कि अगर एक डी पार्टी लुक के हिसाब से भी बताया कि किस तरह से आप अपने आप को स्टाइल कर सकते हैं, और एक बहुत ही अगर डिसेंट लुक आपको चाहिए तो इस तरह की शेरवानी स्टाइल और लाइट शेड के थोड़े दबे हुए कलर्स में और डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स के साथ भी जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया है वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एक और यहाँ पर एक आउटफिट हमें मैम बता रही है जिसको कुछ अलग ही स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। दैट इज़ अ चुन्नी, दैट इज़ अ फुलकारी चुन्नी, यू कैन यूज़ एज ए स्टोल, यू कैन यूज़ इट एज ए चुन्नी। अगर कोई सिंपल सूट है, प्लेन सूट है, आप प्योर ब्लैक सूट लीजिए और उस पर ये चुन्नी डालिए, दैट वुड बी रियली अमेजिंग आउटफिट फॉर यू। इस टाइप से हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हमको हमेशा करना चाहिए, सिर्फ हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे दैट्स नॉट फेयर, हमको जस्ट वी हैव टू यूज़ अवर माइंड टू क्रिएट समथिंग यूनिक। तो हमेशा आप समथिंग यूनिक बनाइए, और ट्रेंड के पीछे तो आप ट्रेंड के साथ कभी कभी जाना भी चाहिए, लेकिन अगर आप अपना ओन एक्सपेरिमेंट कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आप एक भीड़ से अलग हटकर सभी को दिखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे टिप्स मैम ने दिए कि किस तरह के अलग अलग फैब्रिक्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और अलग अलग जो अगर आप मोटे हैं, अगर आप पतले हैं, और जिस तरह के कलर शेड्स के आप हैं उस तरह से भी किस तरह से कौन से आउटफिट्स को आप पिक कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर टिप्स जो थे अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक ग्लैमरस लुक के साथ आप सभी के सामने नजर आएंगे, और जब आप बाहर जाएंगे तो भीड़ में जरूर आपसे कोई ना कोई पूछेगा कि वाओ। मॉनसून में ट्रेंडी और एक नए लुक में दिखने के लिए शहर की यंग डिजाइनर्स ने भी खास डी लाइव न्यूज के व्यूअर्स के लिए शेयर किए कुछ मॉनसून फैशन टिप्स। फैशन डिजाइनर याशना ने बताया कि वेस्टर्न में कॉन्ट्रास्ट है बेस्ट। लाइक आज अभी इन सीजन में वी हैव टू यूज यू नो लाइक लाइट कलर्स, हमें लाइट कलर ज्यादा यूज करने चाहिए। अगर हम प्रिंट्स में जा रहे हैं तो प्रिंट्स का बेस डार्क होना चाहिए, बाकी जो उस पर प्रिंट जो उसका मोटिफ है उस चीज़ को हम लाइट कलर से एनहेंस कर सकते हैं, जिस चीज़ से वो पूरा थोड़ा ग्रेसफुल लगेगा। और कॉम्बिनेशन लाइट डार्क का बहुत स्मार्ट लग सकता है। लाइक वेस्टर्न की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम शॉर्ट्स लेते हैं, लाइक आजकल गर्ल्स शॉर्ट्स प्रेफर करती हैं, तो शॉर्ट्स अगर हम लाइट ले रहे हैं या प्रिंटेड भी ले रहे हैं, सो अगर हम टॉप उसका थोड़ा डार्क या कॉन्ट्रास्ट कलर्स यूज़ कर सकते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर लगेगी। और इन केस अगर हम ट्रेडिशनल ले सकते हैं तो ट्रेडिशन में भी पेस्टल कलर्स यूज़ हो गए, एंड ट्रेडिशनल में आजकल लाइक लॉन्ग कुर्तीज़ हो गई, उसके ऊपर भी बहुत सारी प्रिंट्स से हम लोग कर सकते हैं, हैंडवर्क करवा सकते हैं, अलग अलग एम्ब्रॉयडरी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें लगे कि यस हाँ मतलब मानसून में पहनने के लिए। और डिज़ाइंस लाइक प्लाजो यूज़ कर सकते हैं हम। याशना ने ट्रेडिशनल आउटफिट्स में प्लाजो और हैंडवर्क को इन बताया और फैब्रिक में सिंथेटिक मटेरियल सजेस्ट किया। ए लाइंस हो गई, थोड़ा मोटिफ वर्क हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गई, बैक वर्क ज़्यादा स्मार्ट लगता है बिकॉज यू नो बैक ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होता है। और बहुत सारी ऐसे दुपट्टे वी कैन यूज़, दुपट्टा हम बहुत ग्रेसफुल बना सकते हैं बिकॉज अगर दुपट्टा ग्रेसफुल होता है तो पूरे सूट का लुक ही अलग आता है। सो वी कैन यूज़ दुपट्टा, हैवी दुपट्टा बना सकते हैं, और सिंपल सूट को भी अगर दुपट्टा हैवी हो तो वो वैसे ही अपने आप में ही बहुत ब्यूटीफुल लगता है। रेस्ट ऑल गाउन्स यूज़ करते हैं, लॉन्ग गाउन्स हो गए, सब प्लेन्स, फ्लोरल प्रिंट्स,
सिंथेटिक क्लोथ ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, बिकॉज यू नो मानसून में वैसे कपड़े नहीं, मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहिए जो बॉडी को स्टिक हो. थोड़ा वैसा मटेरियल यूज होना चाहिए जो बॉडी को स्टिक ना हो. मानसून में कौन से कलर्स पहने और फैब्रिक कौन सा यूज करें, ये बताया यंग डिजाइनर निशी ने. मानसून के लिए लाइक कलर फोकास्ट में अभी पेस्टल कलर्स एंड एक्वा कलर्स आर सो मच इन. वी कैन यूज लाइक फ्लोरल विथ एनी प्लेन फैब्रिक्स लाइक सिंथेटिक और जॉर्जेट. और वी कैन लाइक गर्ल्स कैन वेयर एनी रग डेनिम्स विथ एन एनी गुड प्रिंट लाइक एनी फ्लोरल इज फ्लोरल आइदर इट इज फ्लोरल आइदर इट इज एंड समथिंग सीनरी एंड ऑल विद द क्रॉप टॉप. हम जानते हैं ये सभी फैशन टिप्स बन गए हैं आपके दिलों की धड़कन. फिलहाल इंदौर की धड़कन में इतना ही, लेकिन जाते जाते देख लीजिए ये एक्सक्लूसिव मानसून कलेक्शन.